सितंबर से देश भर में गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय बताया गया है। इस दिन लोग घर में भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके 10 दिनों तक रोज इसकी पूजा करते हैं। लोग गणेश जी की पूजा करने के लिए कई तरह के मूर्ति मार्केट से खरीदते हैं, लेकिन मिट्टी से बनी हुई भगवान गणेश जी की मूर्ति को सबसे उत्तम माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि मिट्टी से बने हुए गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है? दरअसल शिव पुराण की मान्यताओं के अनुसार एक बार माता पार्वती ने अपने शरीर में हल्दी लगाई और जब उन्होंने वो उपटन उतारा तो उन्होंने उससे एक पुतला बना दिया। बाद में उन्होंने उस पुतले में प्राण डाल दिए। इस तरह विनायक का जन्म हुआ। वरा पुराण के अनुसार भगवान गणेश को शिव जी ने पंच तत्वों से बनाया। मिट्टी में भी पंच तत्व होते हैं, भूमि, अग्नि, जल, वायु और आकाश। ये सब एक मिट्टी में होते हैं। ऐसा माना जाता है कि घर पर मिट्टी से गणेश मूर्ति का निर्माण करके पूजा की जाए तो इसका उत्तम फल मिलता है। साथ ही ये इको फ्रेंडली भी होता है। विसर्जन के बाद भी साथ रहेंगे गणेश। जब आप मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हैं तब उसमें तुलसी का बीज या किसी फूल का बीज डाल सकते हैं। इस मूर्ति का विसर्जन आप गमले में करें। जब इन्हें आप गमले में विसर्जित करेंगे तो कुछ ही दिन के बाद वो पौधे का रूप ले लेगा। इस तरह गणपति बप्पा हर समय आपके साथ रहेंगे। अगर आप भी इस मौके पर घर पर भगवान जी की इको फ्रेंडली मूर्ति बनाना चाहते हैं तो चलिए जानते हैं इसे मिट्टी की मदद से कैसे बना सकते हैं। मिट्टी से गणपति बप्पा बनाने के लिए सबसे पहले कटोरी पर नारियल का तेल डालकर ब्रश की मदद से फैलाएं। अब कटोरी में मिट्टी रखकर भगवान का आसन बनाएं। इसके बाद एक बड़ी प्लास्टिक चम्मच के आगे के हिस्से पर मिट्टी रखकर उसे गणेश भगवान के पेट का आकार दें। छोटे आकार के चम्मच की मदद से भगवान जी का पैर का आकार बनाते हुए आगे की ओर हल्का सा मोड़ें। इसके बाद उसकी मदद से हाथ बनाएं। अब चम्मच के स्टील वाले चम्मच के आखिरी हिस्से का इस्तेमाल कर गणेश जी का गमछा तैयार करें। चेहरा और सूंड बनाने के लिए चम्मच के बीच के हिस्से का उपयोग करें। इस तरह से आप घर पर मिट्टी के गणपति बप्पा बनाकर तैयार कर सकते हैं। प्रतिमा को फिनिशिंग देने के लिए वुडन स्टिक की मदद से गणेश जी की आंख, तिलक और कपड़ों की धारी बनाएं। तैयार होने के बाद इसे धूप में रख कर सुखाएं। आप चाहें तो इसे पेंट कलर की मदद से रंग सकते हैं। इंस्टाफीड की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।